सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ सपा भाजपा गठबंधन कांग्रेस से गठबंधन कर इसे महागठबंधन बनाने के समर्थन में नहीं है, लेकिन राजनीतिक सूत्रों की माने तो सपा भाजपा गठबंधन ने भले ही कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए इनकार कर दिया हो, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा सुप्रीमो मायावती अंदर खाने कांग्रेस को भी गठबंधन का समर्थन दे रही है। हाल ही में सुप्रीमो मायावती का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान कर कहा था कि हम दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि सपा और भाजपा ने कांग्रेस के लिए बरेली और अमेठी की सीट छोड़ी है, लेकिन अब ये खबरें काफी जोर पकड़े हुए है कि सपा भाजपा गठबंधन कांग्रेस को सिर्फ अमेठी और बरेली की सीट पर ही मदद नहीं करेगा, बल्कि कांग्रेस को और सीटों पर भी गठबंधन की मदद मिलेगी। गौरतलब है कि सपा और भाजपा प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को इस गठबंधन में जगह नहीं दी गई है। अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे ये साबित होगा कि अंदर ही अंदर सपा और भाजपा कांग्रेस को समर्थन दे रही है। खबर के मुताबिक गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में से कुल 6 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर सपा और भाजपा अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, बदले में कांग्रेस 3 सीटों पर अपने ऐसे उम्मीदवार उतारने जा रही है जिससे गठबंधन के वोट कम से कम कटे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो। गौरतलब है कि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में बीते साल हुए उपचुनाव की तरह स्थिति बन जाएगी।